अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम टू ISI गेमिंग। हमने भी एक इंट्रो वीडियो बना दिया, तो मैं अपने टीममेट को फॉलो करते हुए लैंड कर रहा हूँ पायलट प्लाज़ा पे। पायलट प्लाज़ा में लैंड करते ही देखा कि कोई बंदा तो है नहीं। थोड़ी सी लूट करने के बाद सामने एक बंदा आया, तो अब मेरे टीममेट मैं दोनों यहाँ पे लूट कर रहे हैं। मुझे लगा था कोई तो आया होगा यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आया। तो एक बंदे को मारने के बाद मैं और वो बैठे बग्गी में। मैंने कहा चलो जोन चलते हैं, जोन निकलना। जोन जा ही रहे थे कि यहाँ पे फाइट चल रही है। हम फाइट चल रही है और हम थर्ड पार्टी ना करें, सो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्टी के चक्कर में एक को गाड़ी से पेल के यहाँ से डेमी पोर्टर को मार के मैं घर पे रश कर रहा था। फिर यहाँ पे एक हमारे बॉट भैया हैं, बग्गी 107-8 ये आए। अब इस घर में बंदे हैं और इनके पास M249। मैंने नेट किया, मुझे लगा ये यहाँ से आएगा, बट वो तो प्रो हैं जी, ऊपर लेवल के। M249 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा किसी को भी मार देगा। हम बैठे हुए हैं और इसने कहा होगा अपने टीममेट को, हेल्थ कम है, भागो भागो भागो, जाओ रेस्ट करो। इसका टीममेट आया यहाँ से, तो इसके टीममेट को ख़त्म किया। मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 किल्स हो गई हैं। अब मैं इसको रिवाइव दिया। रिवाइव देने के बाद थोड़ी सी लूट की। लूट वगैरह करने के बाद मैं जोन देखा था, जोन बन रहा था ओल्ड बेसिन वाली साइड पे। तो मैंने अपने टीममेट को कहा यार चलो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं ओल्ड बेसिन। तो जब निकलने वाले थे तो यहाँ पर बॉट भैया एलेक्स पेड्रोजा, इनको मारा। फिर मैंने मेरे टीममेट को बिठाया, मैं यहाँ से जाने वाला था जोन। फिर मैंने जोन देखा तो जोन तो उस तरफ बना हुआ था, तो मैंने कहा ब्रिज क्रॉस करते हैं यहाँ से। ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ फाइट चल रही है, 30 विनर पास वाला बंदा पिछले सीज़न का यहाँ पे ऊपर है। फाइट चार बंदे फाइट ले रहे हैं। हमने कहा यार भाई थर्ड पार्टी तो हमने करनी है। तो मैंने देखा पहले कि कोई दीवार पे कोई TTP ले रहा हो, तो उसको पहले क्लियर कर दूँ। दीवार क्लियर है भाई, मैंने उसको कहा दीवार क्लियर है और चलो ऊपर चलते हैं, चलो नीचे देख लो पहले। मैंने नीचे देखा, मैं टैक्टिकली जाना चाह रहा था कि मतलब कोई स्टंट करके फिर जाऊँ। मैंने डायरेक्ट इस तरफ उस तरफ नहीं देखा, देखिए इधर रूम में बंदे हैं, ये देखें। मेरे टीममेट ने देखा, मैंने नहीं देखा, तो मैं इसको मारने लगा। तो इसके लेफ्ट पे बंदा है, फुटस्टेप्स आ रही हैं। तो मैंने कहा टीममेट को थोड़ा हटो, इसको पहले किल करूँ फिर रिवाइव देता हूँ। रिवाइव देते हुए मैंने इसको मार्क भी दिया, यार भाई एनिमी है हेड का मार्क दिया कि थोड़ा पीछे हट जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया था नीचे से बंदा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो अब नहीं छोड़ता, मारे तो मारे। मिस्टर स्ट्रेंजर आया, मेरे टीममेट को किल किया। मैंने उसको बस क्या कह सकता था, मैं तक कह दिया आई एम सॉरी। अपने टीममेट को सॉरी करने के बाद यहाँ से S12 की उठाई है। S12 की मेरी फेवरेट गन में है, एक गन है बहुत क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये गन। और हाँ, इस गेम में फ्लेयर मिली है मुझे, फ्लेयर के साथ 2 MO मिली है फ्लेयर की। तो मैं चलाता नहीं हूँ, लास्ट तक भूल जाता हूँ मैं। अभी लास्ट ही आई है, कुछ ही बंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे आम देखी मैंने आम छोड़ी, मैं आगे जाता हूँ। फिर मैंने देखा बंदा ओपन में है, जोन भी काफ़ी बड़ा है, इतने बंदे भी नहीं अलाइव। तो मैं वापस गया यहाँ पे, मैं देखता हूँ उसको ओपन करके बंदा जंप कर रहा है ऐसी। तो मैंने कहा यार अब यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट तो मुश्किल लग रही है मुझे। मैं वापस गया, ऑम ढूंढने लगा, ऑम मैंने देखी थी। तो मैंने S12 की ड्रॉप की, ऑम उठाई। ऑम से बस एक हेडशॉट से बंदा जो काम कर सकता है वो किसी और चीज़ से नहीं कर सकता। अब रिलोड करने के बाद एमओ उठाई है। मैंने गाड़ी निकालने लगा, मैंने सोचा गाड़ी निकालूँ। फिर मैंने सोचा नहीं बंदे तो कम है, तो यहाँ से चल के जाता हूँ, क्योंकि अगर आवाज़ आएगी गाड़ी की, गाड़ी शोर करती है ना, तो पता चल जाता। मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैंने गाड़ी वो बग्गी के ऊपर जूम किया था स्कोप, तो ये बंदा ऐसे जंप करता हुआ आ रहा है। मैं रनिंग हेडशॉट ट्राई किया लेकिन मिस हो गया। तो मैंने इसका टीममेट थोड़ा इतना प्रो नहीं था, इसका टीममेट थोड़ा सा मेरी तरह नूब था। तो मैंने पहले इसके टीममेट के ऊपर हेड लेने का ट्राई किया, बट ये मेरे
पीकने नहीं दे रहा। मैंने कहा थोड़ी देर सबर बेटा, हम आपको अभी सिखाते हैं। इनका था हेड पड़ी, मैंने इसको पहले कंफर्म करते हैं, दूसरे को देख लेंगे। मतलब मूवमेंट ही नहीं दे रहा था उसको, दो हेड लगी हैं ख़त्म। और अब इसका टीममेट है यहीं पे आसपास, दो बंदे और 11, तीन टोटल। अब इसके टीममेट को मैंने देखा, वो यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। मैंने उसने राइट लेफ्ट पे देखी दिया मुझे मूवमेंट, फिर राइट पे आके ऐसे लेट गया। देखे अब हमसे कैसे बच सकता है नवीन मेरा नाटी। अब ये गया, मैं लास्ट को ढूंढने लगा, लास्ट बंदा है अलाइव। मुझे लगा लास्ट किसी पेड़ के पीछे होगा, बट वो जोन से मर जाता लास्ट। मैं ऐसे मोमेंट देते हुए मैं सोच रहा था घास में लेटा हुआ होगा, इसलिए मैं जंप करके देख रहा था कि वो घास में है या पेड़ के पीछे। लेकिन वो जोन से ही किल हो गया और मिल गया मुझे चिकन डिनर। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 किल्स हो गई हैं। अब न्यू इमोट्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और ये वाली इमोट, ये भी जो करूँगा, हाँ ये वाली, ये न्यू मिली है, मतलब पबजी लाइट वालों को आज मिली है ये। तो ये इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे हम। अब थैंक यू पब्लिक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मस्ट करना है। थैंक यू, लव।